हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं धान की नर्सरी। धान की नर्सरी में कैसे पानी चलाया जाता है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से पानी चलाया जा रहा है। किसान भाइयों, पानी चलाने का सही समय केवल शाम को ही पानी चलाया जाता है, क्योंकि दिन में सुबह अगर चलाएँ तो सुबह में बहुत तेज़ से धूप रहता है बिया, जो कि उस पर नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप किसान भाई शाम को ही पानी चलाएं, करीब 5 या 4 बजे तक पानी चलाने। शाम को पानी चलाने का मतलब है किसान भाइयों कि जो धूप रहता है वो हल्का हो जाता है। हल्का होने के कारण मिट्टी भी थोड़ी ठंड हो जाती है। ठंड होने के कारण इसमें पानी चलाया जाए तो उबाल नहीं खाता है, यानी गर्म हीट नहीं करता है पानी। आप लोग जो ये नर्सरी देख रहे हैं, ये बिजाई के ये दूसरा पानी है। करीब ये 7 दिन के बाद पानी चलाया जा रहा है इसमें। और बिजाई से पहले हम लोगों ने इसमें डाई, यूरिया और पोटाश की मात्रा में जो है पहले से बुआई कर दी थी। उसके बाद जो है और अपनी कैरियों को जिसमें हमको बीज डालना है उसको हम किसी बस से उसे समतल बना लेना है। समतल बनाने के बाद दोस्तों उसे कुछ टाइम तक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो पानी से जो उबले रहते हैं, कचरा उछड़ा रहता है, सब धीरे धीरे सब ज़मीन पर बैठ जाएगा। उसके बाद शाम के टाइम में हमने जो है इसको छिड़काव किया था। छिड़काव करने के बाद सुबह हम लोग फिर खेत में गए। उसके बाद में जो पानी था नर्सरी में उसको कटाने के लिए गए थे। उसके बाद कटा के उस जो खेत में नर्सरी में पानी था उसको कटा कर निकाल दिए थे, ताकि जो है सुबह में धूप होता है, काफ़ी तेज़ धूप हो रहा है, इसलिए जो है पानी गर्म ना हो, क्योंकि पानी गर्म होता है तो जो नर्सरी जो बीज हमने डाला है वो सही से अंकुरित नहीं हो पाता है। अंकुरित होने का कारण दोस्तों यही है कि जब ज़्यादा तेज़ धूप होता है तो जो पानी उसमें रहता है काफ़ी हीट हो जाता है। ज़्यादा गर्म होने के बाद में जो बीज हमारे अंकुरित रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। आप लोग इस बीज के पौधे को देख रहे हैं, ये लगभग 1 से 2 पत्ती का हो चुका है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि 3 पत्ती तक निकल आए हैं। और किसान भाइयों, 2 दिन के बाद इसमें खाद का भी प्रयोग किया जाएगा। खाद में दोस्तों हल्की यूरिया डाला जाएगा, डीएपी डाई डाला जाएगा, पोटाश भी डाला जाएगा। तो किन किन मात्रों का ध्यान रखना पड़ता है, यूरिया की ज़्यादा हम लोग ज़्यादा बुवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि धूप तक काफ़ी तेज़ हो रहा है, नाइट्रोजन रहता है, इसलिए अगर काफ़ी यूरिया डाल दें तो बीया ख़राब होने का संभावना रहता है, इसलिए हम हल्की ही मात्रा में यूरिया का प्रयोग करेंगे। और डाई की बात आती है, जैसे डीएपी डाई के बारे में, वो हम लोग जो है 1 एकड़ बीज के नर्सरी के लिए हम लोग 3 किलो डाई का प्रयोग करेंगे और 1 किलो पोटाश का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे जो डाई रहते हैं वो काफ़ी विकास करते हैं। अब बात आती है पोटाश की। पोटाश दोस्तों बहुत ही लाजवाब काम करता है, क्योंकि जो हमारे नर्सरी में कीड़े रहते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है कि हमारे बीज को नुकसान ना पहुँचाए। पोटाश का मात्रा दोस्तों सभी लोग जानते हैं, पोटाश में कीड़े की क्षमता को रोकने के लिए होता है, तो हम 1 किलो पोटाश का उपयोग करेंगे। इससे जो हमारे खेत में कीड़े रहते हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, अब आता है हमारे पौधे की सिंचाई के बारे में कि हमारे नर्सरी को कितने सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो हम बात करते हैं धान की नर्सरी के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला पानी बीज के छिड़काव करने पर करते हैं, और दूसरा पानी लगभग 7 से 10 दिन बाद करते हैं, और तीसरा पानी 15 से 17 दिन बाद करते हैं, और लास्ट पानी की ज़रूरत जब होती है जब हमारा पौधा जब बड़ा हो जाए, जब 20 से 25 दिन का हो जाता है तब। क्योंकि दोस्तों जब हम नर्सरी के लिए खेत में बैठाने के लिए उपयोग करते हैं बिजाई के लिए, उसके लिए दोस्तों नर्सरी में पानी होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो हमारे नर्सरी के जो पौधे हैं सही से उखड़ पाएंगे। अगर पानी नहीं रहता तो दोस्तों पौधा टूटने का डर रहता है, इसलिए हम पहले से ही इसमें पानी चला देंगे ताकि जो है जो मिट्टी है वो फूल जाए। फूलने के दोस्तों बाद में जो है जो पौधे होते हैं और आसानी से निकाले जा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण के बारे में। हमारा पौधा 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है। उससे पहले जब हमारा पौधा 15 से 16 दिन का हो तो उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा का उपयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए नामनी गोल्ड या अडोरा का प्रयोग करने से हमारे जो नर्सरी में खरपतवार रहते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। बस किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि कृषि से संबंधित नई नई जानकारी आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।